हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं पिछले ब्लॉग में बताई थी कि हॉस्टल रूम मैंने मतलब कैसा था, मैंने कैसे बनाया, वो पूरा डिटेल शेयर करूँगी। तो रूम ये तो पहले मैं मतलब सेट करने के बाद मैंने वीडियो निकाला, तो दिखाती हूँ पहले कैसा था। ये है हमारा जो हॉस्टल रूम है, ये देख रहे, 3 सीटर रूम पहले था, अभी ये रूम 2 सीटर कर दिया, 2 सीटर एसी रूम बना दिया, इसीलिए एक अलमीरा ज़्यादा है इधर। और ये वॉशरूम है, ऐसे पूरा मतलब क्लीन करके गए ऊपर ऊपर से, लेकिन पूरा हमें ठीक करना है अभी। जैसे मैंने बताया था 3 सीटर रूम पहले था, अभी ये 2 सीटर कर दिया, लेकिन बेड टेबल और अलमीरा निकाला नहीं। तो और खिड़की से पूरा बाहर का पूरा सब कुछ दिख रहा है। ये छोटा वाला अलमीरा हमने मतलब बाहर निकाल लेगी बाद में उन लोग जब, और एक बेड और एक टेबल और ये अलमीरा बाहर कर देंगे। तो अभी इधर का जो अलमीरा है वो लेंगे और बेड डिसाइड किया, बिल्कुल दरवाज़ा खोलने के बाद ही जो बेड है वो फर्स्ट वाला बेड वो लेगी। तो वो बेड पहले हम बेड पूरा हम लोगों ने गीला कपड़ा से पूरा क्लीन कर क्लीन किया, उसके बाद अलमीरा पूरा क्लीन किया, साफ़ किया। और नीचे एक दुकान है गर्ल्स हॉस्टल के नीचे, उधर से हम लोग गद्दा खरीद के लेके आए, फिर उधर हम लोगों ने बेडशीट लेके आए थे वो बिछाया, फिर जो एसी था एसी के उधर 2 पर्दा लगा दिया, सब हम लोगों ने लेके आए थे। और टेबल पूरा साफ़ किया, लेकिन फिर भी गंदा लग रहा था, तो इसीलिए टेबल के लिए एक पेपर लेके आई और अलमीरा के लिए भी पेपर लेके आई, पेपर बिछा के फिर वो चार्ट पेपर मिलता है वो खरीद के लेकर आई अलमीरा में बिछाने के लिए, साइज करके काट लिया, फिर वो टेबल भी ठीक करेंगे। तो पहले अलमीरा जो है वो सेट कर लिया। हैंगर सब कुछ हम लोग हैंग करने के लिए सब लेके आए थे घर से, वो सब से पूरा कपड़ा सेट कर रहे अभी। एक सूटकेस पूरा खाली हो गया, पूरा अलमीरा में डाल दिया, और एक सूटकेस में उसका ठंड का सामान है, इधर बहुत ज़्यादा ठंड होता है ना, तो 1-2 महीना बाद ही ठंड होगा, इसीलिए ये सूटकेस में ही रहेगा, ये सूटकेस ऊपर या बेड के नीचे रख देंगे। अभी टेबल ठीक करे, टेबल के लिए पिंक कलर का चार्ट पेपर लेके आई और बाथरूम का सामान भी रख दिया, वॉशरूम में जो जो चाहिए होता है तो वो सब कुछ रख दिया। अभी वो बेड के लिए ये घर से लेके आए, सब चार्जर वगैरह सब कुछ अभी अलमीरा के अंदर ही रखेंगे। तो पूरा सेट हो गया अभी, अभी टेबल पूरा चार्ट पेपर लग गया टेबल पे, अभी टेबल सजाएंगे। टेबल के लिए पहले एक छोटा सा गणपति लेके आए, वो रख दिया, ये हम लोग सिद्धि विनायक से लिया था, और बुक्स वगैरह रख दिया जितना बुक्स लेके आई थी। ये है लैम्प, टेबल लैम्प है,
टेबल लैंप भी रख देंगे, कभी रात को चाहिए होगा तो रूम जो रूममेट होगा उसको डिस्टर्ब ना हो इसीलिए। बेटी का इंडक्शन ख़त्म हो गया, वो आके देख रही है कहाँ पे क्या रख दिया। चलो अभी पूरा रूम दिखाती हूँ कैसा, मतलब पूरा कैसा लग रहा है सब कुछ सेट करने के बाद वो दिखाती हूँ। टेबल के ऊपर गणपति बप्पा रखा, ऊपर बुक्स रख दिया ऊपर, और टेबल लैंप ऊपर रख दिया, और नीचे है, नीचे ज़्यादा सामान नहीं है, वही नोटबुक्स है, कुछ बुक्स है, और चार्जर रख दिया, और बेड ऐसे ही एक ही अभी पिलो है, और एक पिलो मंगाना है, और फ्लोर मैट रख दिया एक, और वो बेड के नीचे ही सूटकेस रख दिया, क्योंकि ऊपर उठाना नामाना मतलब नीचे उतरना उसके लिए मुश्किल होगा इसलिए। तो दोस्तों कैसा लगा हॉस्टल रूम मेकओवर बेटी का, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। चलो बाय बाय।